ऐतिहासिक आदिवासी महाआंदोलन में जमीन पर बैठकर प्रवक्ताओं ने मोदी शिवराज को ललकारा। सर्व आदिवासी समाज के तत्वाधान में रविवार को गोपालपुरा स्थित दशहरा मैदान में आयोजित महाआंदोलन का आगाज करने दूर दूर से आए विभिन्न प्रांतों से आदिवासी युवा क्रांतिकारियों ने सत्ता पक्ष में बैठे मोदी शिवराज को घेरते हुए शासन प्रशासन की नाकामी पर जमकर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच आदिवासी समुदाय के युवा क्रांतिकारियों ने गुना की सरजमी पर बैठकर जंगल जल और जमीन की लड़ाई के लिए जय जोहर के नारे लगाए। सभी आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय व अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की तो वही आदिवासी रामप्यारी बाई के हत्यारों को फांसी देने की भी मांग की। आपको बता दें कि इस महाआंदोलन की शुरुआत बड़े ही बेहतर तरीके से जोश खरोश के साथ हुई। इस दौरान आदिवासी समुदाय से खचाखच भरे दशहरा मैदान में वक्तागढ़ जोश जुनून और बुलंद हौसले के साथ राम प्यारी बाई को न्याय दिलाने पर शासन प्रशासन के खिलाफ आरोप पर आरोप और सवाल पर सवाल दागते रहे। दरअसल आदिवासी महाआंदोलन की खास बात ये रही कि गरजते बादल बरसता पानी भी उन्हें टस से मस नहीं कर सका और ना ही वहां मौजूद लोगों का जोश और जुनून कम हुआ, बल्कि सभी लोग यह कहते दिखे कि यह बारिश नहीं बल्कि राम प्यारी बाई के आंसू हैं। अनवरत रूप से दोपहर 11 बजे से यह आंदोलन शाम तक चलता रहा। इसके बाद मैदान पर ही राज्यपाल के नाम SDM को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। इस सफलतम कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह और विधायक आदिवासी नेता हीरालाल अलावा सहित जिले भर से हजारों लोगों के साथ विभिन्न प्रांतों से आए हजारों बेरोजगार क्रांतिकारी युवाओं तथा जसस के वरिष्ठ नेता आनंद राय, स्थानीय नेता रण विजय भूरिया सहित जसस संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने जमीन पर बैठकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और नाकामी को उजागर किया। सभी ने अपने हक और अधिकारों को पाने के लिए आंदोलन में सहभागिता की और कार्यक्रम को जोश जुनून के साथ लोगों को जागरूक किया। इस आंदोलन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात सहित मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से आए युवाओं ने गुना की इस पावन धरती को जय जोहार के नारों से गुंजायमान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे और अब कहां से आए? हम मातृशक्ति के बलिदान के लिए गुना में कार्यक्रम रखा गया है जो राम प्यारी भाई ग्राम डलोरिया में प्रदेश तहसील बावरी जिला गुना में मध्य प्रदेश हमारी मातृशक्ति 20 साल से मध्य प्रदेश लड़ते लड़ते आदिवासियों पर इन्होंने बलिदान दिया है। आए दिन चाहे नीमच उनको नेमावर हत्याकांड हो चाहे गुना नमन करता हूँ और मैं मध्य प्रदेश सरकार संगठन की तरफ से मांग करता हूँ सरकार महात्माओं को नमन करता हूँ संरक्षण के लिए ऐसे कानून बनाए जिससे आदिवासियों पर बर्बरता इस कार्यक्रम के गुना हत्याकांड में जो आयोजन कमेटी इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कड़ी से कड़ी बहुत बहुत धन्यवाद और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भारी संकट में प्रत्येक आप लोगों ने आयोजन किया हमारी बड़े दुख के साथ मैं प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के गुना जिले में जो हो रही है आपकी सरकार में कहीं कहीं आपकी सरकार संरक्षण देने में कहीं न कहीं राम प्यारी भाई एक और देखा जाता है कि सही बोलते हैं कि या कोई अवैध हमारी खेत में लड़ते लड़ते धनोरिया में जो अपने जमीन के लिए अपने नाटक के लिए सरकार शहीद हो गई के लिए ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है तो क्या मध्य प्रदेश कार्यक्रम में बनाए सभी असंवेदनशील है और आदिवासियों को सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए जो कानून बनाना चाहिए था सरकार को अब तक पूरी तरह नहीं बना पाई है और ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के आदिवासियों की अनदेखी का नतीजा है। आए दिन आदिवासियों का